दोस्तों, अगर आप बहुत सारे वीडियोस बनाते हैं और कोई ऐसा डिवाइस खरीदने का सोच रहे हैं जो बहुत ही कॉम्पैक्ट है और 4K रेजोल्यूशन में शूट कर सकता है, तो आप इसके लिए जा सकते हैं। ये है DJI Osmo Pocket। अभी जो डिवाइस है, इसे लॉन्च हुए काफ़ी समय हो गया है, लेकिन इस डिवाइस को मैंने हाल ही में ख़रीदा हुआ है। और अगर आप मेरे चैनल को फॉलो कर रहे हैं तो कुछ वीडियोज़ में मैंने इस प्रोडक्ट का उपयोग किया है वीडियो शूट के लिए, खास करके जो मी हेलमेट है जिसका मैंने हाल ही में वीडियो बनाया था, उसमें भी मैंने इस डिवाइस का उपयोग किया था। ये बहुत ही इम्प्रेसिव किस्म का गैजेट है जिससे आप 4K वीडियोस तो शूट कर सकते हैं, लेकिन इसमें बिल्ट इन गिम्बल भी दिया हुआ है। और दोस्तों, मेरे पास एक और डिवाइस है जिसका नाम है GoPro Hero7 Black। इसका मैंने काफ़ी समय पहले रिव्यू किया था। ये भी एक बहुत ही बढ़िया डिवाइस है, बहुत ही कॉम्पैक्ट है। इसका उपयोग करके भी आप 4K वीडियोस शूट कर सकते हैं। सवाल ये आता है कि क्या आपको ये खरीदना चाहिए या फिर आपको ये खरीदना चाहिए। इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ। इस वीडियो को लाइक कीजिए और देखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोगी और ये है DJI Osmo मोबाइल और ये है Hero7 Black। अब ये दोनों प्रोडक्ट्स बहुत ही कमाल के हैं, कॉम्पैक्ट से हैं और ये दोनों प्रोडक्ट्स 4K वीडियोस एट 60 FPS पर शूट कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऑप्शंस भी आपको मिलते हैं। तो जो बेसिक डिफरेंस है इन दोनों डिवाइसेस का, वो ये है कि जो Osmo मोबाइल है इसमें मैकेनिकल गिम्बल दिया हुआ है जो कि आपको एक स्मूथ फुटेज देता है, और ये जो Hero7 Black है इसमें भी स्टेबलाइजेशन ऑप्शन है, लेकिन ये जो स्टेबलाइजेशन है ये सॉफ्टवेयर के ज़रिए होता है। इन दोनों प्रोडक्ट्स को आप अलग अलग सिचुएशंस में उपयोग कर सकते हैं। तो इनमें से आपको कौन सा खरीदना चाहिए? अगर आप खास करके एक्शन सीक्वेंस रिकॉर्ड करते हैं, मतलब कि कार क्रैश है, या फिर आप एक्सट्रीम स्पोर्ट्स में भाग लेते हैं जहां पर आप बाइक चलाते हैं माउंटेन के ऊपर, या फिर मोटरसाइकिल चलाते हैं वगैरह वगैरह, उस प्रकार के सिचुएशंस के लिए ये वाला जो कैमरा है परफेक्ट है। इसका साइज़ इसके कंपैरिजन में काफ़ी छोटा है और ये आसानी से कहीं भी फिट हो जाता है। लेकिन उसके अलावा ये बहुत ही टफ किस्म का है, मजबूत किस्म का है। अगर मान लीजिए क्रैश होता है तो इसका डैमेज होने का चांसेस बहुत ही कम है। और सबसे अच्छी चीज़ इस कैमरा की ये है कि इसमें वाइड एंगल ऑप्शन दिया हुआ है जो कि इसमें नहीं है, और ये वाटरप्रूफ भी है, मतलब कि आप डायरेक्टली ये जो कैमरा है इसे पानी के अंदर ले जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो खास करके अगर आप एक टफ कैमरा चाहते हैं जो एक्सट्रीम सिचुएशंस में काम आ सकता है, तो ये एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है, आपको इसके लिए ही जाना चाहिए। लेकिन अगर आपका रिक्वायरमेंट थोड़ा सा अलग किस्म का है, मतलब कि आपको एक बहुत ही टफ कैमरे की ज़रूरत नहीं है लेकिन आपको जो क्वालिटी है थोड़ी सी बेहतर चाहिए इसके कंपैरिजन में, तो आप इसके लिए जा सकते हैं। ये है DJI Osmo मोबाइल। इसमें मैकेनिकल गिम्बल दिया हुआ है, ये देखिए किस प्रकार से ये जो गिम्बल है काम करता है। और ये जो कैमरा है काफ़ी लाइट वेट है, इसमें वाइड एंगल ऑप्शन नहीं है, लेकिन आप वाइड एंगल लेंस एक सेपरेट एक्सेसरी है उसे खरीद सकते हैं और इसके ऊपर लगा सकते हैं। अब इसका जो डायमेंशन है थोड़ा सा अजीब किस्म का है इसके कंपैरिजन में, लेकिन अगर आप व्लॉगिंग करते हैं या फिर सेल्फी वीडियोस शूट करना चाहते हैं तो उसके लिए ये बहुत ही बढ़िया ऑप्शन हो सकता है। दोस्तों, ये वाटरप्रूफ नहीं है। अगर आपको अंडर वाटर रिकॉर्डिंग करना है तो उसके लिए आपको एक स्पेशल अंडर वाटर किट खरीदना पड़ेगा, और उसका उपयोग करके आप इस कैमरे के साथ में अंडर वाटर शूट कर पाएंगे। वैसे तो इसकी बिल्ड और फिनिशिंग काफ़ी बढ़िया है, लेकिन ये उतना मजबूत नहीं है जितना कि हीरो GoPro 7 Black है। तो एक्सट्रीम सिचुएशंस में आप इस डिवाइस का उपयोग नहीं कर पाएंगे, लेकिन इसकी जो क्वालिटी है मुझे इससे थोड़ी सी बेहतर लगी। Osmo पॉकेट के ऊपर छोटा सा स्क्रीन दिया हुआ है, और ये जो हीरो ब्लैक 7 है इसके ऊपर भी एक तरह से कह सकते हैं कि बड़ा स्क्रीन दिया हुआ है। ये जो हीरो 7 Black है इसका आप डायरेक्टली उपयोग कर सकते हैं, और ये जो Osmo पॉकेट है इसे भी आप डायरेक्टली उपयोग कर सकते हैं, ये देखिए इस प्रकार से। और ये देखिए अभी ऑन हो गया है, मैं डायरेक्टली वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकता हूँ, या अगर मुझे फ़ोटोशूट करना है, मतलब कि स्टिल फोटोज शूट करना है, तो वो भी मैं कर सकता हूँ। लेकिन ये जो Osmo पॉकेट है इसकी खासियत ये है कि ये देखिए यहाँ पर ये अडाप्टर दिया हुआ है, इसे आप इस प्रकार से उल्टा लगा सकते हैं। बॉक्स में आपको अलग अलग प्रकार के अडाप्टर मिल जाएंगे। ये जो अडाप्टर का मैं उपयोग कर रहा हूँ ये है लाइटनिंग अडाप्टर, क्योंकि मेरे पास आईफोन है, और ये देखिए इस प्रकार से मैं आईफोन पर इसे अटैच कर सकता हूँ। तो इस प्रकार से मैं इसे मेरे स्मार्टफोन के साथ में कनेक्ट कर सकता हूँ, तो मुझे बड़ा व्यू मिल जाता है जो बेसिकली स्मार्टफोन का स्क्रीन है, और बहुत सारे कंट्रोल ऑप्शंस भी मिल जाते हैं। अब जो Osmo पॉकेट है इसके साथ में मैंने ये अलग से एक्सेसरी खरीदा हुआ है जो बेसिकली एक माउंट है, क्योंकि जब आप इस Osmo पॉकेट को आपके स्मार्टफोन के साथ में कनेक्ट करते हैं तो ये जो अडाप्टर है इस पर ज़्यादा प्रेशर आता है, तो उसके लिए आप इस प्रकार के माउंट का उपयोग कर सकते हैं। तो इस माउंट पर आप Osmo पॉकेट को इस प्रकार से लगा सकते हैं, और यहाँ पर आपका जो स्मार्टफोन है उसे आप लगा सकते हैं, तो एक तरह से सपोर्ट भी मिल जाता है।
वैसे मार्केट में आपको बहुत सारे एक्सेसरीज मिल जाएंगे दोनों प्रोडक्ट्स के। मैंने एक और एक्सेसरी खरीदा हुआ है, ये है ऑस्मो पॉकेट 3.5 mm एडाप्टर। इसका उपयोग करके ये जो ऑस्मो पॉकेट है जिसके नीचे USB टाइप सी पोर्ट है, यहाँ पर मैं इस अडाप्टर को कनेक्ट कर सकता हूँ और इस अडाप्टर में 3.5 mm ऑडियो जैक है तो वहाँ पर मैं माइक्रोफोन को कनेक्ट कर सकता हूँ। लेकिन उसकी क्वालिटी मुझे इतना कुछ इंप्रेसिव नहीं लगी, तो बेहतर होगा कि आप अवॉइड करें इसे। और अगर आपको ऑडियो रिकॉर्ड करना है इसके साथ में, तो बेहतर होगा कि आप कोई एक्सटर्नल डिवाइस पर ऑडियो रिकॉर्ड करें। और ये देखिए GoPro Hero7 Black के लिए भी मैं इस प्रकार की एक्सेसरीज़ का उपयोग कर रहा हूँ। और यहाँ पर ये देखिए, इसमें भी मैंने ये स्पेशल किस्म का अडाप्टर लगाया हुआ है जिससे मुझे यहाँ पे देखिए मुझे दो पॉइंट्स मिलते हैं, एक तो USB टाइप सी और दूसरा है ऑडियो जैक जहाँ पर मैं माइक्रोफोन को कनेक्ट कर सकता हूँ। इस अडाप्टर की जो माइक्रोफोन की क्वालिटी है वो मुझे DJI Osmo Pocket का जो अडाप्टर है उससे काफ़ी बढ़िया लगी। एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो GoPro Hero Black 7 है ये एक तरह से फिक्स्ड लेंस के साथ में आता है, और ये जो DJI Osmo Pocket है इसमें फोकसिंग का भी ऑप्शन है, ऑटोमेटिकली फोकस करता है। इनफैक्ट इसमें फेस ट्रैकिंग का भी ऑप्शन है जो ऑटोमेटिकली आपके फेस को ट्रैक करता है, और ये जो गिम्बल है अकॉर्डिंगली आपके फेस को फॉलो करता है। ये देखिए, ये है मैकेनिकल गिम्बल पार्ट, और जब कभी आप इसे ऑन करते हैं इस प्रकार से तो ये जो गिम्बल है ये देखिए अपने आप को कैलिब्रेट करता है, और अब ये तैयार हो गया है। मैं इमीडिएटली ये जो बटन है रिकॉर्डिंग का इसे प्रेस करके रिकॉर्डिंग शुरू कर सकता हूँ। मैं आपको कुछ सैम्पल्स दिखाता हूँ दोनों प्रोडक्ट्स से खींचे हुए, जिससे आपको बेहतर आइडिया मिल जाएगा कि इन दोनों प्रोडक्ट्स में से कौन सा प्रोडक्ट बेहतर है। ये देखिए जो शॉट है ये मैंने ऑस्मो मोबाइल से शूट किया हुआ है, बहुत ही स्मूथ किस्म का आ गया है, वो इसलिए क्योंकि इसमें मैकेनिकल गिम्बल दिया हुआ है, बहुत ही स्मूथ है। और अगर इसी प्रकार का शॉट मैं GoPro Hero 7 Black से शूट करूँ तो इस प्रकार का आता है। ये देखिए, ये शॉट मैंने DJI Osmo मोबाइल से शूट किया हुआ है, बहुत ही स्मूथ किस्म का शॉट है। ये देखिए, ये है आउटपुट, और आपने नोट किया होगा कि GoPro से शूट किया हुआ जो शॉट है वो थोड़ा सा वाइड एंगल फॉर्मेट में है। इनफैक्ट उसका जो डिफ़ॉल्ट है वो वाइड एंगल में है। ये जो शॉट है ये मैंने DJI Osmo से शूट किया हुआ है, DJI Osmo Pocket, और ये जो शॉट है ये मैंने GoPro से शूट किया हुआ है, थोड़ा सा वाइड एंगल किस्म का शॉट आ गया है। ये देखिए, ये जो डिवाइस है ये सुपर वाइड एंगल वीडियोस भी शूट कर सकता है, ये है सुपर वाइड एंगल मोड में। अब ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, देखिए फेस फॉलो का मोड जो है आपको DJI Osmo में मिलता है, इस प्रकार से ये काम करता है, और ये जो फेस फॉलो है इसका उपयोग करके आप इस प्रकार के वीडियोज़ भी शूट कर पाएंगे। जो गिम्बल है ऑटोमेटिकली फेस को ट्रैक करता है और अकॉर्डिंगली मूव करता है, लेकिन GoPro Hero 7 Black पर आपको इस प्रकार से शूट करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर भी देखिए काफ़ी बढ़िया शॉट आ गया है, कोई इशू नहीं है। ये देखिए काफ़ी स्मूथ है। यहाँ पर मैं भाग के रिकॉर्ड कर रहा हूँ DJI Osmo से, DJI Osmo Pocket, और ये जो शॉट है मैं आपको प्ले करके बताता हूँ। ये देखिए, ये शॉट इस प्रकार से रिकॉर्ड हुआ है, बहुत ही स्मूथ है जैसा कि आप देख सकते हैं, और ख़ास करके ये भाग पर ध्यान दीजिए। ये देखिए एकदम ही स्मूथ है, किस प्रकार से मोशन कैप्चर हुआ है, बहुत ही स्मूथ है। इसी प्रकार का शॉट अगर मैं GoPro से शूट करूं तो ये देखिए इस प्रकार का शॉट आता है, ये भी काफ़ी बढ़िया है। इनफैक्ट जो भी स्टेबलाइजेशन हो रहा है ये सॉफ्टवेयर के ज़रिए से हो रहा है, काफ़ी स्मूथ है, लेकिन मैं DJI Osmo का जो क्वालिटी है वो प्रिफर करूँगा। तो दोस्तों आपने सैम्पल्स देख लिया है, अब मुझे आप बताइए कि आपको DJI Osmo Pocket का जो सैंपल है वो अच्छा लगा, या फिर जो GoPro Hero 7 Black है उसका सैंपल अच्छा लगा। वैसे मुझे ये जो DJI Osmo Pocket है इसका जो सैंपल है काफ़ी बढ़िया लगा, इनफैक्ट इसका जो फुटेज है बहुत ही स्मूथ किस्म का है। इन दोनों प्रोडक्ट्स का उपयोग करके आप नाइट शॉट्स भी खींच सकते हैं, लेकिन ये जो प्रोडक्ट्स है खास करके डे लाइट वीडियो शूट या फोटो शूट्स के लिए बनाया हुआ है। तो इन दोनों प्रोडक्ट्स में से मुझे ये जो प्रोडक्ट है काफ़ी बढ़िया लगा, वो इसलिए क्योंकि इसमें मैकेनिकल गिम्बल दिया हुआ है, और आपको तो पता ही है कि जो मैकेनिकल गिम्बल है वो काफ़ी बढ़िया होते हैं। इनफैक्ट जितने भी गिम्बल्स आपने मार्केट में देखा होगा तो जो फीचर्स आपको उस गिम्बल में मिलते हैं इसमें भी आपको मिलते हैं, मतलब कि जो पैन है, टिल्ट है, उसे आप कंट्रोल कर सकते हैं, फॉलो मोड का भी ऑप्शन है जिससे आपको एक बहुत ही स्मूथ फुटेज मिल जाता है, वो सारी चीज़ें आपको इसमें नहीं मिलती हैं। और इसमें कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ है, जैसे कि फेस फॉलो है जो ऑटोमेटिकली आपके फेस को ट्रैक करता है, और ये जो गिम्बल है अकॉर्डिंगली अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। इतना ही नहीं, ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग का भी ऑप्शन है, तो फेस के अलावा ऑब्जेक्ट को भी आप ट्रैक कर सकते हैं, ये जो गिम्बल है ऑटोमेटिकली उस ऑब्जेक्ट को ट्रैक करेगा। बैटरी लाइफ की अगर बात करें तो बैटरी लाइफ इस पर मुझे काफ़ी बढ़िया मिल रही है इसके कंपैरिजन में। तो दोस्तों ये डेफिनेटली एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है, इसकी कीमत है तकरीबन 27,000 से लेकर 30,000 के बीच में, और ये जो Hero 7 Black है
इसकी कीमत है तकरीबन 23,000 के आसपास। ये दोनों प्रोडक्ट्स अमेजोन पर अवेलेबल है, जहां से आप इसे खरीद सकते हैं, उसका लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। दोस्तों अमेजोन पर सेल चालू है और हो सकता है कि इन प्रोडक्ट्स पर आपको अच्छा सा डिस्काउंट भी मिल जाए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और देखते रहिए।